नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर की तरफ से होने वाली 27 और 28 दिसंबर की यानी कि राजस्थान ग्राम सेवक का जो परीक्षा प्रश्न पत्र होगा दोस्तों, यहाँ पर इस टाइप का होगा। ये आपका तीसरा मॉडल टेस्ट पेपर है दोस्तों। यहाँ पर अगर ये पेपर आपने बिल्कुल पूरा क्रैक कर दिया है सभी पेपर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप 65% आपके एग्जाम में बिल्कुल सही प्रश्न करके आओगे। आपको पता है, देखिएगा मैंने पिछले दो पेपरों में आपको साइंस दी थी, लेकिन अब इसमें साइंस नहीं आ रही है दोस्तों यहां पर, क्योंकि आपके सिलेबस में साइंस नहीं दे रखी है। प्री एग्जाम पेपर में मेन एग्जाम पेपर का जो सिलेबस है वो अभी तक जारी नहीं है दोस्तों यहां पर, लेकिन अब आपको प्री एग्जाम पेपर फाइट करनी है अच्छी तरीके से, जिसमें आपका जो सबसे ज्यादा जो फोकस रहने वाला है वो राजस्थान जीके, इंडियन जीके, वर्ल्ड जीके और हिंदी पर सबसे ज्यादा फोकस रखना है। और देखिएगा आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पर गणित के और यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन और पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, उस पर भी आप यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की जो साइड है उसमें जितने भी पेपर लगे हैं अब तक दोस्तों यहाँ पर, उन पेपरों को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन उन्हीं प्रश्न पत्रों में से उठाए जा रहे हैं। तो इस पेपर को पूरा क्रैक कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। टोटल प्रश्नों की संख्या है 70 है दोस्तों यहां पर, इसमें जनरल नॉलेज का पूरा प्रश्न पत्र आपके सामने है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कल्चर से पूछा गया है यहां पर, राई नृत्य के नाम से जाना जाता है, बताना होगा कौन सा नृत्य। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गबरी जो नृत्य है इसको राई के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहां किया जाता है, ये मेवार क्षेत्र में किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, फागुन में किया जाता है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दूसरे नंबर का है, मेवार के किस शासक का काल स्थापित कला का स्वर्ण युग कहलाता था, बताइएगा राणा रतन सिंह या फिर राणा सांगा या फिर महाराणा कुंभा या फिर महाराणा लाखा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाराणा कुंभा के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण इस अकेले कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर बहुत कुछ अच्छा है, क्वेश्चन है भाषाओं से संबंधित है, अहीर भाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताइएगा ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बहरोड, मंडावर और कोटपुतली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे जिला दे देता है और इन स्थानों का नाम नहीं देता है दोस्तों यहां पर, तो जिला ध्यान रख लेना, अलवर जिले में सबसे ज्यादा ये जो अहीर भाटी है ये बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में तामा गलाने का संयंत्र कहां लगाया गया था, बताइएगा ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खेतड़ी, जी हां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवी नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से बेमेल शब्द पहचानिए, आपको पहचानना होगा, ऑप्शन आपके सामने है। देखिएगा यहां पर दे रखा है इनमें से आपको अलग पहचानना होगा। ये देखिएगा यहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ज्ञान जेल सिंह है, राजीव गांधी है या फिर राजेंद्र प्रसाद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो राजीव गांधी है ये भारत के प्रधानमंत्री थे, और सभी जो ऑप्शन दे रखा है यानी कि डॉक्टर हुसैन ये राष्ट्रपति था, ज्ञान जेल सिंह राष्ट्रपति था, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति था। तो इनमें से जो अलग है वो यहां पर राजीव गांधी हो जाएगा, सी ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान का बट अभ्यारण जो कि हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है, बताइएगा जयपुर, धौलपुर, अलवर या फिर भरतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलवर का सरिस्का अभ्यारण, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने जितनी भी एग्जाम ली है दोस्तों यहां पर, उनमें से 75% परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, थार पाकर क्या है, बताइएगा
भैंस की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, गाय की नस्ल है या फिर बकरी की नस्ल है? तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये गाय की नस्ल है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिएगा आपको कोई भी प्राइज पर, अगर कोई भी यहां पर कोचिंग वाला आपको मॉडल टेस्ट पेपर दे रहा है दोस्तों यहां पर, तो पहले एक मॉडल टेस्ट पेपर को आपको मिलाना होगा उन पेपरों से जो राजस्थान कर्मचारी चयन अक्सर लेता है दोस्तों यहां पर। अगर वो प्रश्न पत्र के जो प्रश्न है उससे मिल रहे हैं उन्हीं को खरीदना दोस्तों यहां पर। मैं बार बार कहता हूं फालतू में अपना जो पैसा है बर्बाद मत कीजिएगा दोस्तों यहां पर, अपने माता पिता की जो खून पसीने की कमाई है आप फालतू में मत दीजिएगा किसी को दोस्तों यहां पर। आपको पता है उन्होंने क्या कर रखे है, बच्चे लगा रखे है, स्टूडेंट लगा रखे है मॉडल टेस्ट पेपर बनाने के लिए, क्योंकि जो टीचर है उनको तो टाइम नहीं मिलता है दोस्तों यहां पर, यानी कि उनको टाइम नहीं मिल पाता है मॉडल टेस्ट पेपर बनाने के लिए, और जो भी स्टूडेंट है उनको मॉडल टेस्ट पेपर बनाए जाते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता है कि कहां से प्रश्न उठाना है कहां से नहीं उठाना है। बहुत से प्रश्न पत्र ऐसे है जो कि आरपीएससी में आरपीएससी के प्रश्न बैंक से उठाए गए हैं, कोई राजस्थान पुलिस से उठाता है, कोई कहीं से उठाता है, लेकिन जो आपकी एग्जाम लेता है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग लेता है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है आपके सामने यही पॉइंट होता है कि जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर बनने चाहिए थे वो यहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी पेपर लगे हैं अब तक उनमें से ही बनने चाहिए दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा गाय की नस्ल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, आमेर के महल किस शैली में बने हुए हैं बताइएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम शैली है इस शैली में बने हुए आमेर के जितने भी महल है, डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? एकीकरण के संबंध में से क्वेश्चन उठाया गया है दोस्तों यहां पर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही है, शोभा राम कुमावत को बनाया गया था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब बनाया गया था? प्रथम चरण में बनाया गया था दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, दसवीं नंबर का है, यानी कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र स्थित है कहां पर है बताइएगा? ये राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने चार एग्जामों में पूछ लिया है ये क्वेश्चन, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है कहां पहना जाता है बताइएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही है, ये हाथों में पहना जाता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिएगा तागड़ी होती है दोस्तों यहां पर, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तागड़ी में और यहां पर बगड़ी में आपको कंफ्यूज नहीं होता है। बगड़ी जो पहनी जाती है वो हाथ की कलाई में पहनी जाती है, चूड़ियों के मध्य सोने की एक यानी कि छोटी सी जो कड़ेनुमा होता है इस टाइप की होती है दोस्तों यहां पर, यह हाथ में पहनी जाती है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला देखिएगा यहां पर, राजस्थान में लहरिया और बॉमचा प्रसिद्ध है कहां का है बताइएगा? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर के, बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का क्वेश्चन है, स्वरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा है बताइएगा? तो इसका सही आंसर देखते ही आंसर दीजिएगा सभी अभ्यर्थी, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका अलवर किसान आंदोलन, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये डूंगरपुर जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर देखिएगा विजय स्तंभ कितनी मंजिला इमारत है जो कि चित्तौड़गढ़ में है और राजस्थान पुलिस का देह चिन्ह स्तंभ है दोस्तों यहां पर, ये तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर है 9 है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहां पर, 9 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट यहां तक 15 प्रश्न क्रॉस कर दिए हैं उन्होंने दोस्तों यहां पर, एक बार यहां पर सब्सक्राइब का बटन दे रखा है सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहां पर, अभी भी यहां पर 30+ मॉडल टेस्ट पेपर आने वाले हैं। जब तक राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के जितने प्रश्न पत्र अभी तक लिए है दोस्तों यहां पर, उनके प्रश्न जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इनको छोड़ूंगा नहीं दोस्तों यहां पर, 10 गुना यहां पर मैं आपको अधिक बताने की कोशिश करूंगा। और अगर ये मॉडल टेस्ट पेपर आपने क्लियर कर दिए दोस्तों यहां पर, तो आप पहले जो प्री एग्जाम पेपर है राजस्थान ग्राम सेवक का उसको आप क्लियर कर दोगे मात्र इन पेपर सेटों से दोस्तों यहां पर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौ। एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, यहां पर थोड़ी देर के लिए मैं आपको राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की साइड पर ले जाता हूं दोस्तों, यहां पर जहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर देखिए, ये राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की ये साइड है दोस्तों, यहां पर इस पर आपको विजिट करना होगा। अब यहां पर विजिट कैसे करना होगा, आप यहां पर गूगल क्रोम पे जाओगे और आर एस, यहां पर देखिएगा RSMSSV आप टाइप करेंगे दोस्तों यहां पर, तो यहां पर आप ओके करोगे तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कर्मचारी चयन आयोग की साइट पर आप पहुंच जाएंगे। तो वहां पर आपके सामने एक ऑप्शन होगा, डाउनलोड का ऑप्शन होगा दोस्तों यहां पर। इस पर जैसे ही आप विजिट करेंगे इस यहां पर डाउनलोड के ऑप्शन पर, तो हम कर देते हैं दोस्तों यहां पर विजिट। अब देखिएगा यहां पर आपके सामने यहां पर एक चीज आती है, तो यहां पर अचीव का एक ऑप्शन आएगा दोस्तों यहां पर, इसको ओके करेंगे। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे यहां पर, तो आपके सामने जितने भी एग्जाम ली है दोस्तों यहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी पेपर है, इनको आपको पढ़ लेना है, डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। यहां पर देखिएगा कितने सारे प्रश्न पत्र है, पटवार का दे रखा है, वोमेन सुपरवाइजर का, टीएसपी का, ये सभी यहां पर दे रखे हैं। और इन सभी में से आपके ग्राम सेवक में प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों यहां पर। ये देखिएगा कितने प्रश्न पत्र है जो आपके सामने है, इसमें आपको राजस्थान ग्राम सेवक का भी पेपर मिल जाएगा, 2016 में जो एग्जाम लगी थी दोस्तों यहां पर, दोनों पेपर आपके यहां पर मिल जाएंगे। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है दोस्तों यहां पर, लेकिन आपको अगर यहां पर ये प्रश्न पत्र पूरे कंप्लीट करने हैं, पूरे प्रश्न आपको याद करने हैं दोस्तों यहां पर, तो देखिएगा इनको आपको रटना होगा और यहां पर जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों यहां पर। ये सभी आपको मैं क्रैक करवाऊंगा पूरी तरह से, प्लस मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपको कवर करवाऊंगा। अभी भी आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है। देखिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहां पर, बेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक है, बताना होगा कौन है, प्रताप सिंह महाराज या फिर ईश्वरदास या फिर बाकीदास या फिर पृथ्वीराज राठौड़। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज राठौड़ हो जाएंगे, जिसने यहां पर किसकी रचना की है, एक पुस्तक आपसे 100% एग्जाम में आएगी दोस्तों यहां पर, तो इसका सही है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर के राय सिंह को दिया था। जी हां, बी ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अवरक की ईंटों के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा जिला हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस जिले में यहां पर अवरक की ईंटें बनाई जाती है, यहां पर एक उद्योग स्थापित किया गया है दोस्तों यहां पर, इसका कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, 19वें नंबर का है, निम्न में से लूनी नदी का पानी कहां से खारा हो जाता है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालोत्रा बाड़मेर तक, ये बाड़मेर तक तो मीठा रहता है, यानी कि अजमेर के नाग पहाड़ी से ये जो नदी है लूनी नदी निकलती है, इसके बाद बाड़मेर में जाने के बाद दोस्तों यहां पर ये यहां पर खारी हो जाती है। आखिर खारी होने का इसका कारण क्या है, आपको पता है हमारे जस्ट जो दक्षिण में है वो गुजरात पड़ता है, और गुजरात का जो कच्छ है दोस्तों यहां पर, वो खारे पानी के लिए जाना जाता है। वहां से जो मिट्टी चलती है, रेतीली मिट्टी, हवाएं आंधियां चलती है, वो अपने साथ यहां पर उन रेत में मिलाकर उन कणों को ले आती है, और इस क्षेत्र में उस वो कणों की अधिकता पाई जाती है। जैसे ही पानी यहां पर पहुंचता है तो ये पानी यहां पर पूरा खारा हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल राजस्थान में कहां से है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरि के वैराज से निकाली गई है, सी ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाली संस्था कौन सी है। पिछले टेस्ट पेपर में मैंने आपको बताया था काजरी शोध संस्था कहां पर है, अब इस पेपर में यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि यह किसका योगदान है, बताना होगा कौन सा जो यहां पर मरुस्थल के प्रसार को रोकने की जो जिम्मेदारी निभा रहा है, वो कौन सी संस्था निभा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, काजरी शोध संस्था निभा रही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, काजरी और आपरी दोनों जोधपुर में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर,
22वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व है, बताना होगा किसके लिए सबसे अधिक महत्व दे रही है अरावली पर्वतमाला। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा यहां पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर प्रश्न आपको पहचानना होगा कि इनमें कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सही है। अब देखिएगा पहला देखते हैं यहां पर, यह है पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रोकती है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। यहां दुर्लभ वन्य जीव एवं वनस्पतियां पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार गुजरात में है, भाई गुजरात में तो इसका सर्वाधिक विस्तार नहीं है, कहां पर है इसका सर्वाधिक विस्तार, राजस्थान में है। और राजस्थान में अगर इसकी बात करें तो 80% जो विस्तार है इसका राजस्थान में है, 20% हरियाणा में है, 20% गुजरात में है दोस्तों यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तो यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिएगा। यहां पर सभ्यता दे रखी है, जिले दे रखे हैं, आपको पहचानना होगा कि कौन कौन से सही है। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि देखिएगा गणेश्वर बिल्कुल सही है यहां पर, आहाड़ उदयपुर बिल्कुल सही है, जोधपुरा सभ्यता जोधपुर, तो भाई ये गलत है। बहुत से स्टूडेंट जल्दी आंख बंद करके ही इसको सही कर देते हैं, क्योंकि जोधपुरा सभ्यता है तो जोधपुर में होगी, ऐसा नहीं है भाई। जोधपुरा जो सभ्यता है वो जयपुर में स्थित है, तो इसका, और देखिएगा बैराट है वो आपको पता है जयपुर में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 और यहां पर 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है, 1, 2, 4, तो देखिएगा 1, 2 और 4, यानी कि डी ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, 24वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुरातत्व यहां पर कालीबंगा के खोज करता है, सही आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए घोष हो जाएगा दोस्तों यहां पर, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातः काल व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है, कौन सा चमकता है बताएगा। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनारगढ़ जो जैसलमेर का है, बी। यहां पर सूर्य की रोशनी के प्रातः काल देख लो, चाहे यहां पर सूर्य अस्त होता है तब देख लो, ये यहां पर सोने की तरह चमकता है, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है, जिन माता किस राजवंश की कुल देवी है बताएगा। ऑप्शन है आपके सामने परमार वंश, चौहान वंश, सिसोदिया वंश या फिर कछवाहा वंश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर चौहान वंशों की है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा एक तो है सीकर के चौहानों की है, और यहां पर देखिएगा एक है सामर के चौहान, यहां पर कंफ्यूज मत होना, अगर सामर के चौहानों की कुलदेवी अगर आपसे पूछे तो साकंभरी माता हो जाएगी, और यहां पर अगर सीकर के चौहान यहां पर अगर आपसे पूछे खंडेलवालों के अगर आपसे पूछे यहां पर, तो ध्यान रखना ये हो जाएगी कौन सी जिन माता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है, निम्न में से किस लोक देवता की माता का नाम सुल्तानी था बताइएगा, क्या है ऑप्शन सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिग्गाजी हो जाएगा, सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान का वह मेला जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भरता है बताइएगा। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुष्कर का मेला भरता है, ध्यान रख लेना ऑप्शन बी आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है दोस्तों यहां पर, पुष्कर का मेला पुष्कर में चलता है, कार्तिक पूर्णिमा को स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है, राजस्थान की कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान है किनका है बताएगा। तो सबसे अधिक जो योगदान देने वाले है वो बिल्कुल सही है राजपूत थे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, अगला है यहां पर 30वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में लालनाथ जी का संबंध है बताना होगा किस से संबंधित है लालनाथ जी। ये देखिएगा आपके राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में पटवार के एग्जाम में पूछा गया है, और यहां पर आपके राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में पिछले जो पेपर हुए हैं 2-4 जो अभी करेंटली 2021 में जो पेपर लिए है उनमें भी दोस्तों यहां पर ये पूछा गया है लालनाथ जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसनाथ संप्रदाय से है, सी ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर,
अब देखिएगा आपको यहां पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे, वर्ल्ड जीके आपसे पूछेगा जिसमें महासागर, महाद्वीप, जनसंख्या ये आपसे पूछेगा यहां पर, तो ध्यान रख लेना। और भारत के जीके आपसे पूछी जाएगी, करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, साइंस आपसे नहीं पूछी जाएगी, कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा, और यहां पर आपसे जो पूछी जाएगी हिंदी आपसे पूछी जाएगी फर्स्ट प्री एग्जाम पेपर में दोस्तों यहां पर। तो आप बताइएगा इसका सही आंसर हो जाएगा जापान का मैनचेस्टर कहलाता है, बताना होगा कौन सा कहलाता है, ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओसाका, बी ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है कौन सी है, बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सुपेरियन झील हो जाएगी, कहां पर है, उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 लाख रुपए मिलता है, डी ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित तो 100% एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, बताएगा, तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो यहां पर प्रधानमंत्री होता है, बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनहित याचिका दायर की जा सकती है, कहां की जा सकती है, बताएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है और उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है, दोनों में कहीं पर भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, संसार में तामा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, बताएगा, सबसे अधिक तामा कहां उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्ली में होता है सबसे अधिक है। और अगर भारत की बात करें तो 3 तामा उत्पादक राज्य कौन कौन से है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, तीनों। और अगर विश्व में देश की बात करें तो चिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्यभार कौन संभालता है, बताएगा, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपसभापति संभालता है, सी ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 38वें नंबर का क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्यताओं के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष कम से कम होना चाहिए, बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष होना अति आवश्यक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 39वें नंबर का है, विश्व में गन्ना उत्पादक करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है, बताएगा, पहले नंबर, दूसरा और तीसरा नंबर, अब पहचानना है आपको करेक्ट आंसर, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है यहां पर, ब्राजील, भारत और चीन हो जाएगा दोस्तों यहां पर, बिल्कुल सही है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40वें नंबर का है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, जल्दी बताइए आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी बनाती है, बी ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेदों की संख्या है कितनी है, बताइएगा, तो भाई नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया है, देखिएगा कितने आपने दिया होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी पेपर लगे होंगे दोस्तों यहां पर, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी सरल पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत डिफिकल्ट पूछते हैं दोस्तों यहां पर, लेकिन आपको यहां पर पूरे आपको रटने होंगे अच्छी तरीके से जितना हो सके। अब जो टाइम आपके पास है इनमें आपको 20 से 25 हजार प्रश्न रटने हैं, तो सबसे पहले जो रटने का आधार है दोस्तों यहां पर वो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में जितने भी प्रश्न पत्र उनको रट लो, उसके बाद जो आपके पास जो भी ऑथेंटिक बुक है उसको पढ़ लो, उससे बाहर मैं आपको लिए बताना चाहूंगा उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा दोस्तों यहां पर। तो 4 वेद है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले गुप्त काल में हुआ था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिकागो में हुआ था, कब हुआ था, 1893 में हुआ था शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, 44वें नंबर का क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य की राजधानी है कौन सी है, ए राजधानी तो आपको रटनी है सारी, कोई पता नहीं कहीं से भी पूछ सकता है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइजोल हो जाएगी, बी ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कहां से हल के यहां पर जोत के आकार के प्रमाण मिले हैं, कहां पर मिले हैं, बताएगा,
रोपड़, कालीबंगा, लोथल या फिर बनावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा में मिले हैं। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा एक चीज और मैं बता दूं, अगर एक सभ्यताओं से अगर क्वेश्चन उठता है तो सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान जी के, मैं बता रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण है कालीबंगा, आहाड़, बैराट, गणेश्वर, ये तीनों चारों सभ्यता आपको रटनी है। और कालीबंगा में आपको जो सबसे ज्यादा रटने हैं, क्या रखने हैं, एक तो जो अमलानंद घोष आपको रटना है, एक आपको तिथि आपको रटनी है 1952 से 53 में इसकी खुदाई की गई थी, सॉरी इसका जो पता लगाया गया था इस डेट में, और इसकी खुदाई की गई थी 1961 और यहां पर 62 में इसका खुदाई प्रारंभ किया था। अब इसके अंतर्गत क्या निकले थे, बीके लाल थापर और ब्रजवासी ने इसकी खुदाई करना प्रारंभ किया था, और इसमें लिखे थे एक तो देखिएगा यहां पर यानी कि तंदूरा लिखा था, साथ अग्नि वेदिका लिखी थी, लकड़ी की नाली का लकड़ी की नाली, खिलौना गाड़ी, स्केल मिट्टी का खिलौना गाड़ी स्केल, और यहां पर जोते हुए खेत, भूकंप के साक्ष्य, और यहां पर हवन कुंडिया, ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले थे यहां पर, ये सभी कांसे का दर्पण यहां पर आपको मिला था, युगल समाधि आपको यहां पर देखने को मिलेगी, सारी चीज यहां पर कहां मिली थी, कालीबंगा सभ्यता में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, इनमें से कौन अंतिम मुगल सम्राट था, कौन था बताइएगा। तो इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह सफर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहां पर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ये है यहां पर थोड़ा साइंस का है, इसको छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, कौन था बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि महमूद बिन कासिम हो जाएगा। जी हाँ, इसने कब किया था आक्रमण, 1712 में किया था, सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति की, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटेन सरकार का उद्देश्य क्या था। तो भाई ब्रिटेन सरकार का जो उद्देश्य था वो यही था कि बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहां पर, 326 ईसा पूर्व में किया था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, 48वां स्थान प्राप्त किया था, ध्यान रख लेना दोस्तों यहां पर टोक्यो, और पैरा ओलंपिक में भी आपको याद रख लेना है, पैरा ओलंपिक और दोनों जो ओलंपिक हुए थे अभी टोक्यो के, ये थोड़े करंट के बन सकते हैं इसमें क्वेश्चन दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान की पहली महिला स्पोर्ट अकेडमी यहां पर खोलने की शुरुआत किस शहर में हुई थी, बताइएगा, जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर झालावाड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जयपुर में खोली जा रही है दोस्तों यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा, अभी आज का जो करंट का क्वेश्चन है ये बनता है, विश्व का सबसे बड़ा प्रदूषण शहर में सम्मिलित भारत का पहला स्थान पर चुका है दिल्ली, जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण रहित शहर घोषित कर दिया है दोस्तों यहां पर, यह करंट का क्वेश्चन आ सकता है, याद कर लो दोस्तों यहां पर, किसी भी एग्जाम में डाल सकते हैं इनको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है, किस राज्य ने घर घर औषधि योजना शुरू की है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, राजस्थान ने, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ये जयपुर में बनाया जा रहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया था, अमेरिका, चीन, जापान या फिर भारत। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ए ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर,
मेमोरी सब्जेक्ट किससे संबंधित है बताएगा, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लॉजिक कंट्रोल इनपुट या फिर स्टोरेज मेमोरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये स्टोरेज डिवाइस हो जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर अगला है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, तो सबसे अधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वो यहां पर लेजर प्रिंटर उपयोग में किया जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है बताएगा, वाणिज्य कार्यों के लिए, वैज्ञानिक गणना के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए या फिर प्रारंभिक में सरल भाषा को सिखाने के लिए, तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए यहां पर बेसिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, यहां पर दिसंबर में आपकी एग्जाम है, दिसंबर का जो आपका यहां पर ये दिवस है वो आपको रट लेने हैं, दिसंबर के, जनवरी के, नवंबर के और अक्टूबर के, ये आपको दिवस रटने होंगे दोस्तों यहां पर। अब देखिएगा आपको आपके जो प्रश्न पत्र में कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक आपको कंप्यूटर दिवस आपको तो 100% याद करना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है कौन सा है बताएगा, सिद्धार्थ, परम, मेगा या फिर साइवर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ हो जाएगा, ए ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सूचना राजपत्र किसे कहते हैं बताएगा, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर इंटरनेट के क्षेत्र में WWW का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो भाई WWW का प्रयोग किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर IBM का पूरा नाम बताएगा, इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या फिर इटालियन बिजनेस मशीन या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, IBM का जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म आपसे पूछ लेती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बताएगा, इसका आंसर सही आंसर बताएगा कॉम्प्लेक्स डिस्क के लिए, कंप्रेक्ट डिस्क के लिए या फिर कंप्यूटर है डाटा के लिए या फिर कंप्रेस्ड डाटा के लिए, तो इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा दोस्तों। यहां पर कॉम्पैक्ट, यहां पर कॉम्पैक्ट डिस्क है या फिर कंप्रेटिक डिस्क है, तो बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CDEC ने किया था, ए ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर अगला है एप्पल क्या है बताएगा, तो एप्पल हो जाएगा भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर अगला और अंतिम क्वेश्चन है यहां पर एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोवाइट अथवा मेगावाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है किससे मिलकर एक बाइट का निर्माण होता है बताएगा, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, यहां पर 8 द्विआधारीय अंकों से मिलकर बनता है, यहां पर ए ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा आपने जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है कंप्यूटर सहित इंडियन जीके, राजस्थान जीके, यहां पर आपने कंप्लीट की है, तो इनमें से 70 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं प्लीज सबसे पहले तो ये मेरे को ये बताइएगा, सभी स्टूडेंट जो भी यहां तक पहुंचे प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है दोस्तों, यहां पर एग्जाम के आप बहुत टाइम बचा हुआ है, अभी भी आप पूरा कोर्स क्रैक कर सकते हो। देखिएगा सबसे पहले तो आपको राजस्थान जीके आपको कवर करनी होगी, इसके बाद इंडियन जीके आपको कवर करनी होगी, संविधान आपको सबसे ज्यादा पढ़ना होगा, और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पढ़ना होगा वो राजस्थान का कल्चर आपको सबसे ज्यादा फोकस कल्चर पर देना है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग है ना, वो अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे उनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है तीनों टॉपिकों में, चाहे वो राजस्थान की राजव्यवस्था हो, राजस्थान का इतिहास हो, राजस्थान की ज्योग्राफी हो, राजस्थान का कल्चर हो, उनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो राजस्थान के कल्चर से उठाता है। तो वीडियो कैसा लगा, मॉडल टेस्ट पेपर है आपका, कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहां पर, और हमें
आपके सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कहीं कोई कमी रह गई है तो बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर ये पेपर आपको पता है, देखिएगा मैं इन पेपरों को, मेरे पास जयपुर से इतने कॉल आते हैं दोस्तों, यहाँ पर हर 8 या 10 दिन में कॉल आते रहते हैं कि जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर आपने बनाए हैं उनको हमारे लिए प्राइज में दे दो आप। लेकिन मैंने साफ मना कर दी दोस्तों यहाँ पर उन कोचिंग वालों से कि भाई मेरी चीज को किसी के माध्यम से मैं बेचना नहीं चाहता हूं, मैं केवल अपने स्टूडेंटों के लिए बिल्कुल फ्री में देना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा, कोई भी टीचर है अपने जो स्टडी को एक बिजनेस नहीं बनाना चाहता है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी जो चीज मिलेगी आपको टेलीग्राम में, यूट्यूब पे, कहीं पर मिलेगी बिल्कुल फ्री में, आप लोगों के लिए है दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि मैंने देखा है, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ और मैंने आपकी स्थिति देखी है, गाँव वाले स्टूडेंटों की स्थिति देखी है। वो बेचारा गरीब है, रूम लेकर बाहर रहता है, एक दिन में आपको पता है 3 से 4 हज़ार रुपये उनके खर्च हो जाते हैं। तो भाई देखिएगा, नॉर्मल चीज मैं दे रहा हूँ आपको, अच्छे से अच्छी चीज दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ यहाँ पर। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जितना हो सके जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। पिछला आप हमारा इतिहास आप देख सकते हो, अब तक हमारे यूट्यूब चैनल पर 850 से अधिक वीडियो डाल दिए गए हैं। उनमें से मैंने राजस्थान पुलिस क्रैक किया था, यहाँ पर पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया था, राजस्थान रिट का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया था, राजस्थान पटवार के मॉडल टेस्ट पेपर मैंने जारी किए गए थे दोस्तों यहाँ पर, 45 मॉडल टेस्ट पेपर राजस्थान पटवार के लिए स्पेशल मैंने अलग से यहाँ पर आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए थे। और आपको पता है जो ऐप वाले है, यहाँ पर 20-20 मॉडल टेस्ट पेपर आपको 500-500 रुपये में दे रहा है दोस्तों यहाँ पर, और वो इतने अच्छे भी मॉडल टेस्ट पेपर नहीं है, चने कहाँ से बनाते हैं कोई पता नहीं उनका, कहीं कोई पुस्तक से उठाते हैं, कहाँ से उठाते हैं कोई पता नहीं है दोस्तों यहाँ पर। पहले आप चेक कर लो आपका मॉडल टेस्ट पेपर कहां से बनाया जा रहा है, क्या राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के प्रेस बैंकों से बना रहा है, वो आपके लिए परफेक्ट होगा दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और यहां पर जाते जाते एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और लाइक जरूर कर दीजिएगा जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है और मेरे को सुन रहा है तो, और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।